और बाबूजी कैसे हो? ठीक है बेटा। मैंने आपको दिन में देखा था यहाँ पे बैठे हुए। एक्चुअली मैं यहाँ से यहीं पास में रहता हूँ ना, तो यहाँ से निकला था तो मैंने आपको देखा था, तब भी आप ऐसे ही बैठे थे। तो बाबूजी मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है जैसे, तो खाना वाना जैसे खा पा रहे हैं आप? खाया आपने कुछ? क्या जो पास में मिल जाता है कहीं तो खा लेता हूँ, नहीं तो भूखे रह जाता हूँ, और क्या करूँ। अच्छा, तो वैसे मतलब क्या, जैसे आप यहाँ पे बाहर कहाँ से हैं आप बताएंगे थोड़ा सा? हम यूपी से हैं जी, यूपी में किस जगह? बलिया डिस्ट्रिक्ट अच्छा, यूपी में बलिया से। जी। तो मतलब आप भी लॉकडाउन में फंस गए। वैसे क्या करते थे बाबूजी आप? हम दिहाड़ी करते अच्छा, फिर दिहाड़ी थे, आप? लाइट बिल्डिंगों में टाइल टोइल लगाने वाले में कारीगर के साथ में काम करते ठीक है, तो फिर जैसा बाद में क्या हुआ, मतलब उन्होंने मना किया थे। क्या? बाद में ऐसा हुआ कि 22 तारीख को हम लोग काम कर रहे थे, 12 बजे तक काम किए, अच्छा उसके बाद मालिक फोन कर दिए हम बंद कर दो, ठीक ना है। पैसा मिला ना कुछ मिला, बस तब से बंद है, बंद में पड़े हुए हैं। तो बड़ी परेशानी, मतलब सोने का आपका यही है, यहाँ पे सोते हैं आप? हाँ जी, यहीं पर सोता हूँ, कहाँ जाऊँ। मतलब जब से लॉकडाउन लगाया मतलब वो सारे टाइम आप यहाँ पे काट रहे हैं। हाँ जी, नींद आ जाती है बाबूजी आपको जैसे यहाँ पे? कैसे नींद आती क्या है? नींद आएगी? नहीं आएगी बेटा, जैसे तो टाइम है, कभी बैठ सोता हूँ, कभी उठ के बैठता हूँ, मच्छर काटते हैं, कहाँ किया जाए। बड़ी हिम्मत है बाबूजी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप बताइए ऐसे हालातों में कैसे सो रहे हैं। खाना भी आपने खाया कुछ थोड़ा बहुत? मैं सुबह खाया था, अच्छा अभी तो कोई ठीक नहीं है। अच्छा बाबूजी, मेरा कहने का मतलब यही है। तो मतलब लोग, मैंने सुना है कि खाना पहुंचा पहुंचा के जा रही है, गवर्नमेंट पहुंचा रही है कुछ लोग। कोई गवर्नमेंट नहीं पहुंचाती, यहाँ राशन कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला, मेरे को तो कोई एक बार भी नहीं दिया। अच्छा, कुछ को मिला कुछ को नहीं, मतलब कह सकते हैं कि सब तक नहीं पहुंच पा रहा है हाँ, सब लोगों तक, हैं? सब सब लोगों तक राशन नहीं पहुंचता। तो बाबू जी पैसे को हैं तुम्हारे पास, मतलब पैसे वगैरह कुछ खर्चे के लिए, जैसे अगर अभी बाकी लॉकडाउन के दिन बाकी हैं अभी? देखो बाबूजी, बेटे इतना दिन हो गया, पैसे मिले नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? बताओ, तो साथ में यहाँ पे आपके और कोई नहीं है जैसे आप अकेले, मतलब जहाँ से आप मेरे बलि? साथ में यहाँ फिलहाल तो कोई नहीं है, ये चाय वाला एक तो अपना वो फैमिली लेके सेटर में रहता है, परिवार साथ में। अच्छा, उनकी फैमिली है, आप अकेले उसके हैं? मैं अकेला है, अच्छा, मतलब आपकी फैमिली घर पे इंतजार कर रही होगी ना? नहीं फैमिली उमली नहीं है, फैमिली मेरी मर गई बहुत पहले। हाँ, अच्छा, आप है ही थे अकेला पहले से ही? मैं अकेले ही पे, एक लड़का है तो घर पर अपना खेती बाड़ी करता एक है। लड़का है बलिया में, मतलब है वो। क्या ओह बाबूजी, बाकी में मतलब एक दिल दहलाने वाली बड़ी हिम्मत है आपको, मैं कह रहा हूँ कैसे सोते हैं, पर अभी खाने का भी मिला मिला नहीं मिला, तो इस तरीके की मतलब आप बताएंगे थोड़ा सा कि लोगों को, और लोगों को भी मतलब ऐसी परेशानियाँ हो रही होंगी, आपका तजुर्बा क्या है? परेशानी? तो देखिए यहाँ रहने वाले लॉकडाउन में जितने बंदे फंसे हैं, हर एक को परेशानी ही है, किसी को थोड़ी ज़्यादा है, किसी को थोड़ी कम है। सबसे ज़्यादा परेशानी इस मतलब इस माहौल में किसे आप कहना चाहेंगे? सबसे परेशानी उसकी है जिसको रहने का ठिकाना नहीं है। हाँ, सबसे ज़्यादा जैसे ही है, क्योंकि रहना खाना अगर इंसान को मिले तो तो ये सबसे बड़ी फिर बात है, हाँ जी, ये बात हकीकत है। तो बाबूजी मैं भी मतलब, मैंने आपको दिन में देखा तभी मैं आपसे दोबारा मिलने चला आया। मैं जो भी पॉसिबल होगा, जो भी हल्की थोड़ी बहुत मदद मैं कर सकता हूँ वो करूँगा, और कोई ऐसी बात नहीं है, मैं पास में रहता हूँ, मैं दोबारा भी बीच कुछ भी आपसे मिलता रहूँगा। ठीक है कोई बाबूजी, बात हाँ नहीं है, ऊपर वाला मालिक ही हम लोगों का सहारा है। सही बात है। तो बाबूजी अभी मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाया हूँ, और ये रख लीजिए मेरी तरफ से बाबूजी, आप इसमें खाने का सब सामान है तो आप ये रखिए, और मैं ऐसी कोई बात नहीं है पास में रहता हूँ, बीच में भी आपसे जैसे एक दिन बाद दो दिन बाद बीच में ही मिलता रहूंगा। ठीक इससे जो आपने ये पैसे रखिए थोड़े बहुत जो भी हैं, इससे अपना ये भी है कि जो भी एक दो दिन का खर्चा चलेगा
चलिए ठीक है ठीक है बाबूजी, अभी तो मैं आपसे ज़्यादा मिल भी नहीं सकता, ये आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हैं मालिक आपका भला करे। और मैं आपको अपना नंबर दे दूँ लिख के, अगर जैसे कोई बीच में परेशानी पड़े आपको तो आप मुझे फ़ोन भी कर लेना। ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। ठीक है।